वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने की खबर या यूं कहिए कि अटकलें बहुत तेज हो चली हैं। कहा जा रहा है कि गुजरात चुनाव के बाद ये बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जब राहुल गांधी बतौर कांग्रेस की कमान संभालेंगे तब वरुण गांधी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वरुण गांधी बीजेपी के हार्डकोर युवा नेता हैं। उनकी मां मेनका गांधी भी बीजेपी की कट्टर और कद्दावर नेताओं में से एक हैं। ऐसे में वरुण के कांग्रेस में जाने की संभावना आखिर सच क्यों हो सकती है, इसके पांच बड़ी वजहें हम आपको बताते हैं। पहली वजह, प्रियंका और राहुल के साथ वरुण की गाढ़ी दोस्ती। वरुण की मां मेनका गांधी बीजेपी में शीर्ष नेता रही हैं। गांधी परिवार की बहू मेनका गांधी ने पारिवारिक कड़वाहटों की वजह से अपने पति के स्वर्गवास के बाद गांधी परिवार का घर और पार्टी दोनों छोड़ दी थी। तब से मेनका का आसरा बीजेपी ही था, लेकिन पारिवारिक तौर पर वरुण गांधी राहुल और मेनका के काफी अच्छे दोस्त हैं। वरुण उम्र में राहुल और प्रियंका दोनों से छोटे हैं और दोनों को अपने बड़े भाई बहन जैसा मान सम्मान और स्नेह भी देते हैं। आज तक वरुण ने कांग्रेस पर खूब पॉलिटिकल हमले किए, लेकिन एक बार भी उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर अपनी चाची सोनिया गांधी पर कोई भी व्यक्तिगत हमला नहीं किया। यानी बाहर से भले ही ये दो अलग अलग परिवार नजर आए, लेकिन राहुल, प्रियंका और वरुण का कजिन लव अब तक राजनीति की गंदगी से दूर रहा है। ऐसे में अगर ये फैमिली बॉन्डिंग राजनीतिक तौर पर एक नए समीकरण की शक्ल ले ले तो फिर हैरान मत होइएगा। दूसरी वजह, बीजेपी में वरुण का हाशिए पर धकेला जाना। पिछले कुछ सालों में वरुण गांधी को बीजेपी में हाशिए पर धकेल दिया गया है। मोदी और शाह के उदय के साथ ही वरुण का सूरज अस्त हो गया। यूपी विधानसभा चुनाव में वरुण एकदम निष्क्रिय रहे। बीजेपी अगर चाहती तो वरुण को यूपी में एक चेहरे के तौर पर पेश कर सकती थी, लेकिन वरुण के नाम की गूंज तो दूर, उनका कोई नामलेवा तक नजर नहीं आया। तीसरी वजह, पार्टी में वरुण के साथ भीतरघात का आघात। कुछ राजनीतिक समीक्षकों का यह भी मानना है कि वरुण बीजेपी में खुद के साथ भीतरघात का आघात महसूस करते हैं। वरुण बीजेपी के उन शुरुआती नेताओं में से एक थे जिन्होंने खुलकर हिंदुत्व पर एक कड़ा स्टैंड लिया था और इसके बदले उन्हें तीखी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी, लेकिन बाद में यही मुद्दा यूपी के दूसरे नेताओं ने हाईजैक कर लिया और उन्होंने इसका फायदा भी उठाया, लेकिन वरुण को इसका कोई क्रेडिट नहीं मिला। इसके अलावा यूपी इलेक्शन में वरुण को दरकिनार किया जाना, उनका सेक्स स्कैंडल उछाला जाना, उन्हें सीएम प्रत्याशी के तौर पर प्रोजेक्ट न किया जाना, इन तमाम घटनाओं को वरुण के समर्थक उनके साथ भीतरघाती मानते हैं। चौथी वजह, कांग्रेस को भी वरुण जैसे नेता की सख्त जरूरत। अब इसे वक्त की जरूरत कहिए या कुछ और, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस को भी इस वक्त वरुण गांधी जैसे फायर ब्रांड नेता की सख्त जरूरत है। ऐसे में अगर दोनों भाइयों का मिलन होता है तो मर रही कांग्रेस को पारिवारिक इमोशन की एक नई ताकत और संजीवनी मिलेगी। भारत की राजनीति भी हमेशा से इमोशन ड्रिवन रही है, ऐसे में कांग्रेस को इसका जबरदस्त चुनावी फायदा भी मिलेगा। पांचवी वजह, विस्फोट से पहले शांत है ज्वालामुखी। वो कहते हैं ना कि विस्फोट से पहले ज्वालामुखी बेहद शांत होता है, कुछ ऐसा ही हाल वरुण गांधी का भी है। वरुण गांधी काफी मसलों पर इस वक्त एकदम खामोश बैठे हैं। बीजेपी के कई असंतुष्ट नेता जैसे शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा रह रहकर अपनी भड़ास प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर निकाल रहे हैं, लेकिन वरुण की जुबान एकदम सिली हुई है। सवाल ये है कि क्या वरुण की ये खामोशी आने वाले किसी बड़े पॉलिटिकल तूफान का संकेत है? ये वो पांच वजहें हैं जो बताती हैं कि वरुण गांधी का कांग्रेस में जाना अब कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हाँ, इस पूरे मामले में एक अड़चन है और वो है सोनिया और मेनका गांधी की आपसी केमिस्ट्री। कहा जाता है कि आज भी जेठानी और देवरानी में काफी कड़वाहट है। अब क्या ये कड़वाहट घुलेगी और वरुण गांधी अपने परिवार में रिश्तों की एक नई मिठास घोल पाएंगे, ये भविष्य का बड़ा यक्ष प्रश्न है। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए, क्या वाकई इन दोनों भाइयों का मिलन भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय लिख पाएगा? क्या वाकई ये मुमकिन भी हो पाएगा? बताइए अपनी ओपिनियन। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।